स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर साधु संत भी भड़क गए हैं और अब मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान पर साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। प्रयागराज के संतों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो संत समाज बैठक कर इस मसले पर कड़ा फैसला लेगा। ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि उसे हमेशा के लिए इस बात की सीख होनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस पे सवाल उठाया है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए रामचरितमानस नहीं बल्कि उनकी सियासत पर पाबंदी लगाने की मांग की है। ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए, और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से संत समाज इतने गुस्से में है कि हर हाल में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वो व्यक्ति प्रमाण दें, साबित करें, नहीं तो फिर उनको जेल जानी पड़ेगी। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। जाहिर है स्वामी का विवादित बयान अब उनके गले की फांस बन चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामचरितमानस पर विवादित बयान देना सपा के स्वामी को सियासी लिहाज से भारी पड़ता दिख रहा है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव तय करें कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है या सपा का। वो बयान को समाजवादी पार्टी का बयान माना जाए या उनका निजी बयान माना जाए, ये अखिलेश यादव जी को पार्टी के नेतृत्व तय करना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता पर ही सवाल उठा दिए। ये सब विक्षिप्त लोग हैं और इस प्रकार के बयान देते रहते। जबकि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामद्रोही करार दे दिया। जो राम के द्रोही होते हैं वो विश्वद्रोही हो जाते हैं, उन्हें कोई समझने वाला होता नहीं और उनकी बहुत बुरी ख्वारी हो गई। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर ये कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उनसे समाज के बड़े तबके की जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। इसी के बाद बवाल बढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर अखिलेश नाराज हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से बयान के खिलाफ या समर्थन में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जाहिर है सपा में खामोशी के कई मायने। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब सपा के पुराने सहयोगी भी आग बबूला है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान को विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहा और पूछा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में थे तब क्यों नहीं रामचरितमानस पर पाबंदी लगाई। समाजवादी पार्टी का बुरा दिन है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जो भी बयान आ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को पतन की ओर ले जाने के लिए, गर्त में ले जाने के लिए ये बयान आ रहे हैं। इधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्री राम समस्त भारत का चरित्र हैं, उन पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता ही निकृष्ट है। वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं, ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। भाजपा और पुराने सहयोगी स्वामी के बयान से बेहद खफा हैं, लेकिन सपा के भीतर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किसी तरह से खंडन या रामचरितमानस पर दिए गए बयान की निंदा सामने नहीं आई है। अब सभी की निगाहें अखिलेश यादव के उस स्टैंड पर टिकी हैं कि आखिर इस मसले पर सपा की लाइन क्या होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।